नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चंडीगढ़ में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के स्थल के नजदीक मोदी पकौड़ा बेचने वाले 12 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया। हालांकि उन्हें रैली के बाद रिहा कर दिया गया है। सभी 12 स्टूडेंट्स बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर के समर्थन में पीएम मोदी की एक रैली के स्थान के नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी डिग्री इंजीनियरिंग बीए और एलएलबी के नाम वाले पकौड़े बेच रहे थे। किरण खेर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के खिलाफ चंडीगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। यहां 19 मई को मतदान होना है। पकौड़ा बेच रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम यहां पकौड़ा योजना के तहत हमें नए रोजगार देने के लिए मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। हम मोदी रैली में पकौड़ा बेचना चाहते हैं ताकि वह जान सके कि शिक्षित युवा के लिए पकौड़ा बेचना कितना महान काम है। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के सवाल पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि लोग पकौड़ा बेच कर एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं तो उसे बेरोजगार नहीं माना जा सकता। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।